प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है यानी कि बायोडाटा। बायोडाटा को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं क्योंकि और यह लिखना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर किसी का शादी विवाह होता है, चाहे गांव घर में कोई भी लोग यदि आपसे पूछ देंगे तो सबसे पहले बोलते हैं यदि बायोडाटा आता है तो लिख करके दिखा दो। उस वक्त यदि हमको नहीं आता रहता है, चाहे हमको यह सोचते रहते हैं, ज़्यादातर तो आते रहता है लेकिन हम लोग यह सोचते रहते हैं कि बायोडाटा में क्या क्या लिखें। तो यदि आपको ग्राम में कोई भी लोग पूछे, चाहे आपको यदि अपने मैरिज में जाना है, जैसे कि आपको यदि अगुआ होता है जो गांव में शादी करने से पहले अगुआ आता है तो वह आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मन में फीलिंग अलग अलग प्रकार के सवाल आते रहता है कि क्या क्या चीज़ पूछेंगे, ठीक है। और इसमें यदि लड़की रहे तो और ज़्यादा यानी कि थोड़ा सा मन में हेजिटेशन होते रहता है, इसीलिए आपको क्या पूछेंगे और क्या चीज़ कैसा क्वेश्चन किए जाते हैं तो इसमें पूरा का पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जनरल स्टडी से रिलेटेड बराबर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि बायोडाटा हिंदी में कैसे लिखते हैं और यह पूरे शुद्ध बायोडाटा हो गया, ठीक है। तो बायोडाटा सबसे पहले आप बायोडाटा में यदि कोई पूछ दे तो सबसे पहले आप ऊपर में क्या लिखेगा, अपना नाम, ठीक है। तो जैसे कि आपका नाम क्या हो गया, यहाँ पे किसी भी लड़की का नाम लेकर के हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं खुशबू कुमारी, ठीक है। क्या चीज़, नाम हो गया खुशबू कुमारी, ठीक है। नाम क्या हो गया, सबसे पहले आप अपना नाम लिखिएगा खुशबू कुमारी। उसके बाद यदि गांव ग्राम में दे रहे हैं, गांव घर में दे रहे हैं तो पिता का नाम लिखिएगा तो उसमें ज़रूर श्री लगाइएगा, ठीक है। श्री ज़रूर लगाइएगा तो श्री श्री क्या लिखेगा, कोई भी नाम, जैसे अलग नाम रहता है और अलग लिखने में थोड़ा सा अलग महसूस होते रहता है, तो जैसे लिख दिए श्री लक्ष्मी राय, ठीक है। श्री लक्ष्मी राय, ठीक है, श्री लक्ष्मी राय। माता का नाम लिखिएगा, ऐसे तो ज़्यादातर लोग माता का नाम नहीं लिखते रहते हैं लेकिन लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ना कोई कभी भी संकोच ना करें माता का नाम लिखने में, ठीक है। तो माता का नाम क्या होगा, श्रीमती, ठीक है, श्रीमती रानी देवी यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। हम ऐसे किसी का पर्सनली नहीं लिख रहे हैं, अपने हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। दादा का नाम, तो यदि जीवित हैं, ठीक है, जीवित है तो श्री लगा दीजिए, नहीं जीवित है तो स्वर्गीय लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे दादा का नाम क्या लिखें, स्वर्गीय श्री, हम यहाँ पे लिख देते हैं श्री प्रमोद राय, ठीक है, श्री प्रमोद राय हो गया। अब उसके बाद आपको यदि आपके यहाँ पे अगुआ आया है शादी के लिए, आप जा रहे हैं तो आपको जरूर पूछेगा कि परिवार में कितने सदस्य लोग हैं, ठीक है। तो परिवार में कितने सदस्य, यदि आप मान लीजिए दो भाई है और दो बहन है और एक मम्मी पापा हो गए, तो यहाँ पर यह दोनों कुल मिलाकर के यहाँ पर आप बोल दीजिए कि 6 लोग हैं, तो उस परिस्थिति में आपसे ज़रूर पूछ देंगे कि भाई का नाम आप ऐसे आप लिख करके दे सकते हैं, ठीक है। आप लिख करके पूरा विवरणी दे दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए जैसे कि क्या चीज़, अंकित कुमार यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यदि एक से अधिक है तो यहाँ पे नंबरिंग करके आप अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बहन का भी नाम, यदि बहन के भी पूछे तो यहाँ पे नंबरिंग करके आप लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया चांदनी, और दूसरका में यदि और भी है तो यहाँ पे नंबरिंग करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेगा कि आप कितने तक पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, ठीक है। अब आप कितने तक पढ़ाई लिखाई किए हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए मैं 10वीं पास हूँ। आप जहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं वहीं पर लिखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग गाँव घर में यानी कि अलग अलग टाइप से बताते रहते हैं, यदि 10वीं है तो बोलेंगे इंटर BA, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स जितना बोले आप उतना पता करके यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ग्राम का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मेरा ग्राम का नाम हो गया रोसी, तो यहाँ पे हम अपने ग्राम का लिखते हैं। उसके बाद पोस्ट का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है, ग्राम के बाद पोस्ट बल्थी रसूलपुर, ठीक है। उसके बाद थाना क्या हो गया यानी कि बोचहा, तो यहाँ पर लिख दीजिए बोचहा। उसके बाद क्या जिला, तो जिला का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार। पिन कोड अपना लिख दीजिए 84 31 18। यह आपका शुद्ध बायोडाटा हो गया। इतने से ज़्यादा आपको कहीं भी कोई भी आ जाए तो इतने से ज़्यादा आपको यदि बायोडाटा लिखने के लिए बोलेंगे तो इतने से ज़्यादा आप शादी विवाह में ऐसा करके खास करके इससे ज़्यादा आपसे पूछे हुए नहीं करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और आपको इस चैनल पर विजिट करके देखिए। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर